राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैला में शिक्षकों के पद न भरे जाने के विरोध में स्कूल के छात्रों और अभिभावकों द्वारा स्कूल परिसर के बाहर रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को काले झंडे दिखाकर धरना दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2017 में स्कूल को अपग्रेड किया गया है और 5 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल के लिए किसी भी स्टाफ को नहीं भेजा गया है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं कई छात्र मजबूरन स्कूल से पलायन कर चुके हैं, जिन्हें रोजाना 20 किलोमीटर सफर तय करके शिक्षा ग्रहण करने अन्य स्कूलों में जाना पड़ रहा है। अतः उनकी सरकार और शिक्षा विभाग से मांग है कि या तो इस स्कूल के लिए स्टाफ भेजा जाए या इस स्कूल को बंद किया जाए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? यहाँ पर आधारभूत कमी होने के कारण यहाँ पर हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। और आपको लग रहा है कि आपको भी यहाँ से जाना चाहिए कि आपकी पढ़ाई सुचारू ढंग से चल रही है? स्थिति रही तो हमको भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ जाने से
क्या आपके माता पिता अपना खर्चा मैनेज कर सकेंगे आपका? मैनेज तो हम गरीब परिवार से बांध रखते हैं, इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर स्टाफ की आने की पूरी कोशिश की। तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। जहाँ तक रही आंदोलन की बात है, तो आंदोलन तो चलते रहेंगे, ये और बढ़ेगा भी, धरना प्रदर्शन और होंगे। और मैं इसके बाद अगर हम सरकार या प्रशासन हमारी नहीं सुनता या कम दिनों में स्टाफ नहीं आता है, तो एक तो मैं स्कूल बंद करवा दूंगा, कक्षाएं और बहिष्कार करा दूंगा, सिर्फ स्टाफ रूम ही खुला रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखा जाएगा फिर आगे क्या रणनीति होती है। हम तो अभी चक्का जाम करने की भी फिराक में है, और 6-7-8 दिन हो चुके हैं, ना ही शिक्षा विभाग के ऊपर कोई जूं रेंग रही है, ना प्रशासन के ऊपर, ना कोई सरकार के ऊपर, ना कोई शिक्षा मंत्री के ऊपर, ना हमारे माननीय विधायक जी हैं और डिप्टी स्पीकर जी हैं और सिंह जी गुहार ला चुके हैं। ये हमारा जो है ये आगे कदम जो है बढ़ता जा रहा है, हम जो है पेरेंट्स भी और जितने पंचायतवासी हैं और आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और आखिर में जो है हम कलेल में जाकर चक्का जाम कर देंगे और यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए हम तैयार हैं। तो सर, जितने भी बच्चों के अभिभावक माता पिता, मैं सबसे जो पूछे मैंने क्वेश्चन, तो सब यही कह रहे हैं कि हमारा खर्चा इतनी इस स्थिति में जो मैनेज नहीं हो रहा है। तो सर, इस विषय में सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रही है, तो प्लीज़ बताना कि आप कहां तक जो है इस आंदोलन को जारी रखेंगे और आगे का स्टेप क्या होगा आपका? हमारा स्टेप अगला हम रोड जाम करेंगे। हमने बताया पहले भी, जिस दिन हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन था, हम कलेल में चक्का जाम करेंगे। यहाँ 11वीं में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है सर? यहाँ चिरोड़ी में 11वीं थी, उसके बाद मैंने बजरंगी में डाला हूँ, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर। तो सर, आप क्या करते हो? तो मैं कुछ भी नहीं, खेती बाड़ी करता हूँ, मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पास इतना खर्चा नहीं है। जब मैंने पहले रोज स्कूल में डाला वो 4-5 हज़ार मेरा वहाँ से खर्चा हो गया, तो मेरे पास। सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में जो है आप मतलब इतना खर्चा कहाँ से माइनस कर रहे हो? वो कहाँ से करना, मैंने उधार लेके पैसे अपना लगभग वो बुजुर्ग स्कूल में डाला है, तो मेरे पास अब इतना खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं है। और यहाँ चिरोड़ी स्कूल में, चिरेला स्कूल में मास्टर की कमी है और मास्टर होना चाहिए यहाँ।